आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो द डायरेक्शंस एट एवरी पॉइंट व्हिच अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल टेक्स अप एट दैट पॉइंट। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आल्सो रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। मतलब कि देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें यहाँ पे दिखती है, ठीक है, वो क्या दिखाती है कि अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो इसको अगर एक टेंजेंट निकालेंगे तो वो इस पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये समझ में आएगी। बट हमें पूछा है कि क्या ये फोर्स की भी डायरेक्शन दिखाता है। बट देखो हमें क्या पता है कि फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, बराबर। और फोर्स का डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, वी और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से। मतलब बी का जो डायरेक्शन होगा और वी का जो डायरेक्शन होगा दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा फोर्स का डायरेक्शन, बराबर। तो बी के अगर ये परपेंडिकुलर होगा फोर्स का डायरेक्शन, तो अगर यहाँ पे बी कुछ इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, बराबर। मतलब ये जो लाइंस है ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं दिखाती, ठीक है। अब क्या पूछा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, व्हाई। देखो टोरॉइड क्या होता है कि अगर हम एक सोलेनॉइड को बेंड करके एक रिंग बना दे, ठीक है, इस तरीके से उसके आजू बाजू हम कुछ वायर्स को वाइंड कर दे और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पूरी इस तरीके से कन्फाइंड होती है सोलेनॉइड के अंदर ही, ठीक है, बाहर नहीं होती। अंदर यहाँ पे बी कितना होता है, जीरो, और यहाँ पे भी बी कितना होता है, जीरो। सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन सिर्फ सोलेनॉइड के बीच में होती है। लेकिन अगर हम एक सोलेनॉइड ले, ये क्या हो गया, टोरॉइड हो गया, ठीक है। और लेकिन अगर हम एक सोलेनॉइड ले तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसी करंट की वायर्स लपेटी हुई होती है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होती कि ये सारी इसके अंदर कन्फाइंड क्यों नहीं होती, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो क्यों कन्फाइंड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा कनेक्टेड होती है, बराबर, हमेशा वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होती है। अगर ये पूरी की पूरी इसके अंदर ही कन्फाइन हो गई तो इसका डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड है इसी डायरेक्शन में, तो इसका चक्कर खा के वापस आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बराबर। इसलिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है सोलेनॉइड की वो उसके बाहर भी होती है, पूरी उसके अंदर कन्फाइंड नहीं होती है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड हाउ वुड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। देखो क्या पूछा है कि इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड हाउ वुड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। देखो जो एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ है वो क्या है, E डॉट डी एल इक्वल्स टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, बराबर। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि जो गॉस लॉ है, ठीक है, वो भी इसके बराबर ही है, इससे सिमेट्रिकल है, बराबर। लेकिन हमारा जो अंदर का मैग्नेटिक क्यू एनक्लोज्ड के जगह पे जो एम होता है हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, जीरो होता है, बराबर। तो अगर ये जीरो नहीं हो गया तो ये कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एम, बराबर, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये हो जाएगा हमारा गॉस लॉ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, डज वन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर। देखो अगर एक बार मैग्नेट है तो उसका एक एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ये इसके खुद के एलिमेंट के ऊपर फोर्स जरूर लगाती है, बट क्या होता है कि इसके आगे वाला जो एलिमेंट होगा ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ये भी इसके ऊपर कुछ फोर्स एफ लगा रहा होगा, और हालांकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों कैंसल आउट कर देते हैं और ये रेस्ट पे रहता है, ठीक है, बट फोर्स तो वो लगाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स मोशन, कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो। इसका आंसर है यस, ठीक है।
हालांकि अगर इसका नेट चार्ज जीरो भी हो फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट जरूर होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है कि जो फेरो मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर भी जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन फिर भी इनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। या फिर न्यूट्रॉन्स को देख लो, न्यूट्रॉन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, बराबर। न्यूट्रल पार्टिकल्स होने की वजह से इनके ऊपर का जो चार्ज होता है ये क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन फिर भी इनका एक मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड देयरफॉर डज नॉट वर्क। एन आयरन नेल हेल्ड नियर अ मैग्नेट व्हेन रिलीज्ड इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट मूव्स टू क्लिंग द मैग्नेट। व्हाट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ नॉट मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर हम यहाँ पे बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, और उसके जगह उसके पास एक कोई नेल लेके आते हैं तो ये क्या करता है, एकदम से उठ के इस मैग्नेट को जाके ज्वाइन हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स नहीं होता है, ये तो उसके अंदर खुद एक इंड्यूस मैग्नेटिज्म आता है, इस वजह से जाता है। तो ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, ये इसको एनर्जी कौन लगाता है, तो इसको एनर्जी कौन लगाता है, इसकी इंटरनल एनर्जी, जो इस नेल की इंटरनल एनर्जी होती है ये यहाँ पे वर्क करती है और ये इस मैग्नेट की तरफ इसे क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।